एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है मेरे एक्सेल दर्शन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए एमएस एक्सेल के अंदर एक न्यू और ख़ास वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप डुप्लीकेट वैल्यू को कैसे स्टॉप करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ पर एक कॉलम में चेक नंबर है और मुझे यहाँ पर यूनिक चेक ही यहाँ पे इंसर्ट करना है अपना चेक नंबर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सभी जो चेक नंबर हैं वो सभी के अलग अलग हैं। अब मान लीजिए गलती से मेरे से यहाँ पर एक चेक नंबर ऊपर वाला नीचे रिपीट हो गया, तो देखिए यहाँ पर तुरंत ही मेरे पास एक मैसेज आता है, दिस वैल्यू डज नॉट मैच डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शन डिनॉयड फॉर दिस सेल। आप इस सेल में दोबारा से ऊपर जो आपने एंट्री कर रखी है दोबारा से डुप्लीकेट वैल्यू आप यहां पर नहीं कर सकते, आपको यहां पर तुरंत रोक दिया जाएगा। फिर से देखिए, फिर से मैं ऊपर की वैल्यू को नीचे रिपीट करता हूं तो आप यहां पर उसे एंटर नहीं कर पाएंगे। तो किस प्रकार से आप यहां पर मैसेज बनाएं, किस तरीके से आप ये वैलिडेशन लगाएंगे, तो सबसे पहले अब मेरे पास यहाँ पर आधार नंबर पर मैं वैलिडेशन लगाना चाहता हूँ कि जो आधार नंबर एक बार आ गया है वो दोबारा से इस सेल में ना आए। और आप नीचे एक मैसेज भी देख रहे हैं और ये मैसेज भी आप बना पाएंगे। तो सबसे पहले मैं इस आधार रेंज को सिलेक्ट कर लूँगा जहाँ तक मुझे आधार नंबर एंटर करने हैं, जहाँ तक मुझे वैलिडेशन लगानी है। उसके बाद मैं डेटा टैब पर आऊँगा। डेटा टैब पर आने के बाद आपको डेटा वैलिडेशन ऑप्शन पे जाना है। इसके अंदर आप आएंगे सेटिंग ऑप्शन पे और डेटा वैलिडेशन जो क्राइटेरिया है आप इस बटन पे क्लिक कीजिए और सबसे लास्ट में एक ऑप्शन दिखाई देगा कस्टम, आप इस पर क्लिक करेंगे और जिस रेंज को आपको वैलिडेशन लगानी है उस रेंज को पहले आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम इक्वल की प्रेस करेंगे। काउंट इफ़ नाम से एक हमारा फंक्शन होता है, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को ओपन करेंगे और इस रेंज को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा जिस रेंज में मुझे डेटा वैलिडेशन लगानी है और फंक्शन की F4 का प्रयोग करके इस रेंज को यहाँ से मैं लॉक कर दूँगा कॉमा क्राइटेरिया में मैं पहले सेल को सेलेक्ट करूँगा, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, इक्वल साइन इंसर्ट करेंगे, उसके बाद 1। मैं यहाँ पर यदि 1=1 कर देता हूँ तो केवल आप इस रेंज के अंदर एक वैल्यू को सिर्फ एक बार इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 2 टाइप कर देंगे तो आप एक वैल्यू को 2 बार इस रेंज के अंदर ले सकते हैं। मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं एक आधार नंबर इंसर्ट कर देता हूँ और मान लीजिए मैंने एक आधार नंबर यहाँ पर फिर से इंसर्ट किया। अब दोस्तों गलती से क्या हुआ कि जो ऊपर का जो आधार नंबर है अगर वो मेरे से गलती से यहाँ पे एंटर हो जाता है, अब मैं यहाँ पे इस आधार नंबर को ऊपर वाले को रिपीट कर देता हूँ 83। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक नंबर एक डिजिट्स इसमें कम है। अब मैं फिर से यहाँ पे एक आधार नंबर इंसर्ट करता हूँ 75475। तो आप देखेंगे आपको तुरंत एक मैसेज आ जाएगा, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शन डिनॉय फॉर दिस सेल। आप इस सेल में दोबारा से वो नंबर यहां पर दोबारा एंटर इस रेंज के अंदर नहीं कर सकते क्योंकि ये वैल्यू जो है वो ऊपर भी यहां पे रिपीट हो रही है, इसलिए आप इस सेल में सिर्फ यूनिक आधार नंबर भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं क्योंकि आधार नंबर सबके अलग अलग होते हैं। इसको यहाँ से मैं कैंसिल करूँगा तो आप देखेंगे आपका जो सेल है वो यहाँ से खाली हो जाएगा और यहाँ पे आप अलग से जो अनदर आपका नंबर है आधार नंबर है आप उसे ही यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब हम अकाउंट्स नंबर के लिए वैलिडेशन बनाना चाहते हैं और मैं आपको इस बार मैसेज भी साथ में दिखाऊँगा कि कितनी रेंज तक के आपको नंबर यहाँ पर इंसर्ट करने हैं। डेटा वैलिडेशन ऑप्शन पे जाएंगे, उसके बाद अलाउ जो राइट साइड में ड्रॉप डाउन बटन दिया हुआ इस पर क्लिक करेंगे, सबसे लास्ट में ऑप्शन कस्टम है
और यहाँ पर वही फॉर्मूला में दोबारा से इक्वल साइन प्रेस करेंगे, सी ओ यू एन टी काउंट इफ। यहाँ पर काउंट इफ एक फार्मूला है, उसको हम यहाँ पे मैनुअली राइट करेंगे, ब्रैकेट को शिफ्ट के साथ ओपन करेंगे और उस रेंज को हम सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक मुझे वैलिडेशन अप्लाई करना है, और F4 फंक्शन की से इस रेंज को हम लॉक कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया में मैं पहले सेल को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज और इक्वल टू वन टाइप करेंगे। उसके बाद देखिए इनपुट मैसेज में आप यहाँ पे चाहें तो कस्टम जो मैसेज आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। टाइटल में मैंने यहाँ रेंज डिफाइन कर देता हूँ, जैसे मैं आप एक एग्जांपल दे देता हूँ, एंटर अकाउंट नंबर। और इनपुट मैसेज में आप यहाँ पे अगर आपका अकाउंट नंबर एक लिमिट में है, जैसे मैं आप एक मैसेज डाल देता हूँ, एंटर 15 डिजिट अकाउंट नंबर। एरर मैसेज में अगर आप कोई वैल्यू डुप्लीकेट रिपीट होती है तो उसके लिए आप टाइटल में यहाँ पर स्टाइल दिए हुए हैं, या तो आपको सीधा स्टॉप कर दे तो हम आप स्टॉप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम मैसेज देंगे ट्राई अगेन अनदर अकाउंट नंबर या डुप्लीकेट एंट्री। आप ऐसे भी यहाँ पे एंट्री दे सकते हैं। उसके बाद मैं इसे ओके करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर एक आपको मैसेज भी नीचे आपको दिखाई देगा, ताकि जो भी दूसरा यूजर है उसे काम करने में आपके सॉफ्टवेयर पे एंट्री करने में आसानी रहे। अब मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर एंटर करता हूँ, ये मेरा एक अकाउंट नंबर जो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है। अब मेरा यहाँ पे जो अकाउंट्स नंबर है वो मेरा यहाँ पे आ गया है, परंतु आपको इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस रेंज को यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा और मैं इस पर राइट बटन प्रेस करेंगे, हम आएंगे फॉर्मेट सेल पे। फॉर्मेट सेल पर आने के बाद आपको आना है कस्टम ऑप्शन पे और यहाँ से जनरल को आप यहाँ से रिमूव कर देंगे और शिफ्ट के साथ एक हैज प्रेस करेंगे तो आपका जो 15 डिजिट तक का जो नंबर है आपके सेल में विजिबल हो जाएगा। अब मैं दोबारा से यहाँ पे अनदर नंबर को यहाँ पे एंटर कर देता हूँ जो यूनिक मेरा अकाउंट्स नंबर है। अब मान लीजिए कोई अकाउंट्स नंबर मेरे से गलती से यहाँ एंटर हो जाता है तो उसको तुरंत ही हमारे सामने एक मैसेज हमें आएगा। तो देखिए यहाँ पर एक मैसेज आ गया है, डुप्लीकेट एंट्री। तो आपने जो अकाउंट्स नंबर यहाँ पे एंटर किया है वो यहाँ पर डुप्लीकेट हो गया है। तो इस तरीके से आप डुप्लीकेट वैल्यू को यहाँ पे सीधा रोक सकते हैं, आप वैलिडेशन लगा सकते हैं, ताकि एक रिकॉर्ड, एक आधार नंबर, अकाउंट्स नंबर केवल एक ही बार इस रेंज के अंदर आप एंटर कर पाएं। अब मैं आसे से कैंसिल कर देता हूँ। इसी प्रकार से मैं चाहता हूँ कि मुझे इस तरह के मोबाइल नंबर चाहिए सभी एम्प्लॉई के जो यूनिक हों सभी के, तो मोबाइल नंबर पे भी वैलिडेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। डेटा वैलिडेशन पे आएंगे, सेटिंग पर जाएंगे और वही कस्टम ऑप्शन पे हम आ जाएंगे, वही फंक्शन फिर से लगाएंगे, इक्वल टाइप करेंगे, काउंट इफ फंक्शन लगाएंगे, इंसर्ट करेंगे। उसके बाद मैं इस रेंज को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और फंक्शन की F4 से इसको हम लॉक कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया में मैं यहाँ से क्या करूँगा, सॉरी मैं अपना यहाँ से जो रेंज जो गलत सेलेक्ट हो गई है मेरे से, मैं यहाँ पर वैलिडेशन लगाइए तो मोबाइल नंबर की जो रेंज उसे सिलेक्ट कर लेंगे और F4 की फंक्शन से इसको हम लॉक करेंगे, कॉमा लगाएंगे और पहले सेल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, इक्वल टू वन। और आप इनपुट मैसेज चाहें तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, एंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर। और इनपुट मैसेज में आप यहां पे एंटर यूनिक मोबाइल नंबर कि सिर्फ एक मोबाइल नंबर यहां पे एक बार ही यूज करना है। आप यहां पे मैसेज भी दिखा सकते हैं साथ में, ताकि जब भी इस पर हम काम करेंगे इस फाइल पर तो पता रहेगा कि इसमें कितने डिजिट का मोबाइल नंबर जो है एंटर करना है। 8059979780 तो आप देखेंगे यहाँ पर जो मोबाइल नंबर, अगर मान लो ये मोबाइल नंबर दोबारा से यहाँ रिपीट हो जाता है तो आपको तुरंत रोक दिया जाएगा
कि ये जो मोबाइल नंबर है दोबारा से यहाँ पर एंटर हो गया है, तो यहाँ पर आप अनदर जो नंबर है, जो यूनिक रिकॉर्ड है, आप आसानी से यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने सीखा है कि आप एक कॉलम के अंदर केवल जब जहाँ पर आपको सिर्फ यूनिक रिकॉर्ड की आवश्यकता होती है, तो उस रेंज पर आप कैसे डुप्लीकेट वैल्यू को स्टॉप कर सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे एक्सेल का। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।